वेलकम डियर फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द मिलियन टन्स ऑफ लीथियम इन इंडियन जम्मू एंड कश्मीर सो लेट्स स्टार्ट नौ फरवरी को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में लीथियम का बहुत बड़ा डिपॉजिट डिस्कवर किया है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइन्स ऑफ इंडिया का एक ट्वीट है विच रीड एज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज फॉर द फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश फाइव मिलियन टन ऑफ इन्फर रिसोर्सेज जी ऑफ लिथियम इंसलाल हेमाना एरिया ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट टेरिटरी अब मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के ट्वीट में से आप देख सकते हैं कि इन्होंने इनफर्ड रिस का जिक्र किया है तो इनफर्ड रिसोर्स बेसिकली क्या चीज सो इट एक्चुअली मीन्स दैट टनेज ग्रेड एंड मिनरल कंटेंट फॉर mineral रिसोर्स कैन बी estimated विद अ लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस तो इसका बेसिकली मतलब यही बनता है कि जो आपके साथ जियोलॉजिकल एविडेंसेज होते हैं आप इसे इन्फर करते हैं और उसके बेस पे एज्यूम करते हैं लेकिन उसको अभी तक वेरीफाई करना बाकी रहता है तो इस लिहाज से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फिलहाल एज्यूम किया है उस जियोलॉजिकल एविडेंसिस के बेस पे कि यहाँ पर 5.9 मिलियन टन ऑफ लिथियम है लेकिन ये अभी तक वेरीफाइड नहीं है अब अगर हम इज्यूम करते हैं कि जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्लेम है कि इन्होंने फाइव मिलियन टन का जो लीथियम डिस्कवर किया है ये वेरीफाइड है तो उस बेस पे जो लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ लिथियम है दुनिया में तो इंडिया दूसरे नंबर पे आता है अब ये एक बार ग्राफ दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लिथियम रिजर्व है वो चिली के पास है दैट इज़ 9.2 मिलियन टन्स फिर दूसरी नंबर पर इंडिया का नंबर आएगा 5.9 मिलियन टन्स एंड देन ऑस्ट्रेलिया विद 5.7 मिलियन टन्स देन अर्जेंटीना देन पुर्तगाल चाइना एंड देन यूएस अब क्वेश्चन यही बनता है कि लिथियम डिस्कवर हो गया ठीक है लेकिन इतना हाइप क्यों क्रिएट किया जाता है तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि लिथियम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है पहली बात तो ये है कि इट इज़ नॉन फेरस मेटल ये एक नॉन फेरस मेटल है जितने भी ई बैटरीज है इनका ये की कंपोनेंट है और तकरीबन सारों में यही यूज़ होता है और लिथियम का डिमांड इतना ज़्यादा है कि 2025 के बारे में ख्याल किया जाता है कि जो प्रेजेंट डिमांड है उससे ये ट्रिपल हो जाएगा So, friends, here it is the end of this video. I will see you in the next video. Till that time, stay blessed.